कांच देखूं, कांच तो नहीं है इसके अंदर यार। दादी बोलू कांच रह जाता है इसके अंदर यार, ये तो कटा कैसे, तो कटोरी कांच की वहां से गिरी है। कटोरी गिरी है डायरेक्ट तुम्हारे पैरों के पास? पैरों के मामा पैरों के पीछे गिरी है ना, पीछे देखिए, पीछे लग गया कांच। पता नहीं यार ऐसे एकदम से कैसे टूट गया, रेगुलर ऐसे दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, थोड़ा सा हो रहा है। लग रहा है इसके अंदर कांच है यार, प्लीज यार। कहां तकलीफ हो रही है यार, कांच रह गया ना तो वो ज्यादा हुआ है। अभी बस करे यार, इतना सब इसको डेटॉल से साफ कर दो। हां तो फिर कमरे में तो क्यों देखना नहीं चाहिए था तुम्हें? अपने कमरे में क्या कर रहे थे? देखना चाहिए था ना। अगर यार वलू ध्यान रखा करो। आ जाओ आदि, मुझे कैंची ला के तुम, मैंने इसके बाल काटने आज। आदि बाल कट करूं तुम्हारे? पक्का? कैसा हेयर स्टाइल चाहिए? एक दो हेयर स्टाइल कैसा स्टाइल चाहिए? अच्छा आ जाओ कैंची लाओ। तो यार अभी जो है ना हादी के बाल काट रहे हैं। हादी तुम्हें फाइनली तुम्हारे बाल काट रहे हैं, अच्छा लग रहा है? जबरदस्त हेयर स्टाइल दूंगा ना इसको मैं। सर इसके बाल छोटे मत करना प्लीज, छोटे नहीं करना, सूट करते हैं इसके बाल। इन लोगों ने इतना ड्रामा किया, मतलब मुझे ऐसे ड्रामा करना चाहिए था, लेकिन ये दोनों ऐसे, अल्लाह माफ करे। ऐसा लग रहा था वो दो आंटियां नहीं होती, हाय हाय ये क्या हो गया मेरे पैर पे, इतनी सी छोटी सी चोट पे इतना बड़ा ड्रामा कर दिया। तुम दोनों को ड्रामों में रोल दिलवा दूं फुफो का? ध्यान रखा करो, मेरी बात समझो, तुम्हें समझ में तो आती नहीं है। तो यार ये है इसका फर्स्ट लुक अभी का, ठीक है? अभी इसका स्टार्ट किया नहीं है हेयर कट, अभी इसका हेयर कट स्टार्ट करता हूँ, फिर इसका लुक दिखाता हूँ। सही है? अपना फेवरेट डायलॉग नहीं बोला भाई, इतना मस्त हो रहा है ना इसका हेयर कट। कोरियन बच्चे नहीं होते उनमें मिल रहा है बिल्कुल, देखो कैसा मस्त हेयर कट हुआ है। अब तुमने आज बोला नहीं हाय गाइस। हाय गाइस बोलो, बोलो हाय। इसकी आवाज क्यों बंद हो गई आज ही? बोलो आज ये भाई घूमा भी तो बहुत है। हाँ कर दिया, इसके सर का निशान कितना बुरा लग रहा है। इधर देखो, वाओ हो गया इसका हेयर कट, अभी भी रहता है मतलब। मैं हेयर कट करवाने वैसे तो मैं जाती नहीं हूँ, बिकॉज मैं एक बार गई थी, मैं आगे से बैंग्स कटवाने गई थी, उन्होंने बैंग्स तो नहीं मेरे बाल यहाँ तक कर दिए थे। आज तुम्हें याद है? बिल्कुल यहाँ तक कटोरा कट लग रहा था आगे से। मैंने दिन बात नहीं मैंने पूरे 2 महीने आगे बाल पिनों से अपने बालों को जिस तरीके से सेट करके रखा था ना, मैं कभी नहीं भूलूंगी। और ऊपर से ईद थी 1 महीने के बाद, लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी मैं वो कभी बाल अपने। भी कुछ टाइम पुरानी बात है मतलब। हाँ मुझे शुरू से जो है ना मतलब बालों को बेबी कट्स वगैरह बहुत पसंद है, मेरे बाल शुरू से बहुत लंबे, मेरे बाल जल्दी बढ़ जाते हैं, लेकिन मेरे को बाल कटवाने का बहुत शौक है। आहर इस बार भी दिसंबर आ गया, कटवा लूँ? सही है, मैंने पिछले दिसंबर अपने बाल इतने इतने से करवा लिए थे। हाँ अब ये इस दिसंबर के बाल हैं। दिसंबर आते के साथ ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मेरा दिल करता है अपने बाल काट लूँ। गर्मियों में दिल नहीं करता, सर्दियों में इन्हें काटने का दिल करता है। वैसे यार आहर एक बात है, तुम तो बोल रहे थे कि मैं अपनी बीवी के हर डिसीजन में उसको सपोर्ट करता हूँ। ऐसी डिसीजन है जिसमें वो बुरी लगे?
वो चीज करो ना इसमें तुम्हारा फेस सूट करे। लिटरली बोल रहे हो कि मैं बुरी लगूंगी? जो तुम पे सूट नहीं करता वो तुम नहीं करो ना। आज तो पता नहीं बोलने के बाद तुमने क्या करा है। मैंने फर्स्ट टाइम मतलब हाथ से मिलने के बाद बाल जब कटवाए थे, नहीं अलैन ने काट दिए थे, याद है तुम्हें? रमजानों में अलैन ने मेरे बाल इतने इतने से कर दिए थे मेरी बहन ने। देन फिर मैंने एक्सटेंशन करवाया, मेरे बाल जल गए। मेरे बाल जलने के बाद मेरे बाल सारे जल गए, यहाँ यहाँ तक जल गए, मतलब पूरे शोल्डर तक जल चुके थे वो, है ना। एक्सटेंशन जब करवाया था मैंने, एक्सटेंशन करवाने के बाद वो जलने जलाने के बाद देन फिर जो है ना मेरा हो गया। ओ वाओ, यार ये तो वो नहीं होते और क्या कहते हैं उनको, वो वाले बच्चे क्या अब्दुल, पहले से तू मासूम लग रहा था ना, अब तू वो वाले बच्चा लग रहा है। बॉस वैसे एक बात है, आज तुम ये सारा काम छोड़ छाड़ के 90 क्यों नहीं बन जाते? मेरी दादी बोलती थी 90 को, क्या बोलते हो हेयर ड्रेसर बन जाओ, कितने अच्छे बाल काटते हो बच्चों के। काटने में तो वैसे भी आहत बहुत आगे है। क्या हो गया? हाँ दूसरा इस मामले में बात नहीं करना, मेरी रॉयल्टी पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। अभी बैठे रहो जगह पे शाबाश। आहत बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, ठीक है गाइस। मुझे अभी भी याद है एक दिन मैंने पूरे घर की लाइट उड़ा दी थी, पूरे घर की लाइट, पता नहीं कैसे पूरे कैसे मैंने लाइट उड़ा दी। जी ओके भाई, तो ये इसका फाइनल लुक आ गया, बहुत मस्त बाल कटे हैं इसके। ये लो हादी, इधर देखो, ये अभी इसके बाल सेट होंगे आगे। हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है इस पर, कैसा लग रहा है हादी? रुक जाओ मैं निकाल देता हूँ इसको। वाह भाई वाह, रुक जाओ मैं निकाल रहा हूँ। बाल चुभ रहे हैं। गाइस टेक नोट्स, बी अ गुड मैन, और जो गन आप खुद करते हैं उसको खुद साफ किया करें, ओके। दिस इज व्हाट अ गुड मैन डज। आज मुझे तो यकीन नहीं आ रहा ये इस गंजी के बाल हैं सारे, इतने सारे बाल हैं ये। पता है गाइस आजकल डेली व्लॉग्स इतने ज़्यादा क्यों नहीं डाल रहे यार? मतलब आजकल ना मैं बहुत सुन रहने लगी हूँ, मेरा वाला हाल हो गया, खाओ पियो सो जाओ तो खा लो तो सो। करो ना आहत, कसम से फजर का वजू करूँगी ना, मैंने कसम खाई है, ठंडे हाथ ना आके लगाए ना मैंने भी, फौरन वॉशरूम से डायरेक्ट कमरे में आके हाथ लगाऊंगी, देखना। अच्छा आहत को अगर कोई ज़रा ऐसे भी कर दे ना तो पता चलेगा ना, फिर बोलूँगी आहत का ना, अगर आहत के यहाँ भी हाथ लगाओ या हाथों पर भी ठंडे हाथ लगा दो, इसका ये पूरा हिस्सा ना पिंक होना शुरू हो जाता है, जैसे कि पता नहीं यहाँ पे कोई ब्लशर लगा देता है। आहत बात सुनो ना, तू तो डेयर खेलें, बोर हो गई प्लीज ना। हाँ वो बॉल वाला खेला तो था, उसमें तुमने कौन सा कुछ कर लिया? अब्दुल अब्दुल कह रहा है मैं नहीं आऊंगा कैमरे बिकॉज मैं नंगा हूँ। ये टिम्पल हंस के दिखा, हंस के दिखा, तुम्हें पड़ता है टिम्पल आ खेले तू तो डियर। तुम्हें गेम ही खेलना है ना? हाँ।
एक काम करते हैं, हमने अभी तक नाम डिसाइड नहीं किया ना, नहीं। तो हम लोग नाम डिसाइड करते हैं, हम लोग कुछ नाम निकाल लेते हैं और आप लोग कुछ नाम निकाल के कमेंट में हमें बताएं जो आप लोगों को नाम अच्छे लगे, उसमें से जो हमें नाम अच्छा लगेगा फिर हम उस नाम को सेलेक्ट कर लेंगे। मैं तो लड़के के निकालूंगी। मैं लड़की के निकालता हूँ। तो तुम टीम गर्ल हो? हाँ टीम बॉय। ओके तो लड़की और लड़के दोनों के नाम निकालने हैं और कमेंट में लिखने हैं, ठीक है? हम दोनों भी जब तक कोई नाम निकालते हैं, फिर जिसमें हमें नाम अच्छा लगेगा ना वो नाम हम लोग डिसाइड करके उसको डन कर देंगे, ठीक है? डन करो गाइस। यार तो इसने अभी से लड़ना शुरू कर दिया है, ये मतलब बाद में क्या होगा मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने जो नाम सोचा है वो मैंने सोचा है हिफ्जा, सही है, इसने अल्तमश नाम सोचा है। अब लड़की के नाम पे भी लड़ रही है और मैं इसको बोलूँ कि ये नाम अच्छा नहीं लग रहा। तो आप अपने नाम मुझे बताओ कि आप लोगों को कौन सा नाम पसंद है। रखूं, जाहिद रखूं, आसिफ रखूं, क्या रखूं फिर? यार ये कोई नाम थोड़ी है यार, कोई ढंग का नाम सोच लो। इतना प्यारा नाम है अल्तमश। पता नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई। तो मुझे भी हिफ्जा नहीं समझ आ रहा ना, पुराना नाम है। अच्छा नाम है ये, इतना पुराना नाम नहीं है यार। तुम लोग अपना डिसाइड करके मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है? उसमें से जो हम लोगों को नाम पसंद आएगा ना हम वो रख देंगे, ठीक है? डील डन। हाँ तुम लड़ो नहीं अब, ठीक है गाइस? आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ, कोई भी नाम एक सेलेक्ट करके मुझे बताओ। ओके बाय।